अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? एक केमिकल फार्मूला विच शोज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बिटवीन द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए कंपाउंड। हमारे पास कोई कंपाउंड होता है और कंपाउंड हमेशा क्या होता है, डिफरेंट एलिमेंट से मिलके बना होता है और उनमें एटम की रेशियो होगी और उस रेशियो को हम लोगों ने किस फॉर्म में लेना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेना है और होल नंबर के फॉर्म में लेना है, तो तब वो हमारा फॉर्मूला क्या कहलाएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर ये C6H12O6 ये ग्लूकोज का एक कंपाउंड है जो तीन तरह के एलिमेंट से मिलकर बना है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और इसमें जो कार्बन एटम की रेशियो 6 है, हाइड्रोजन एटम की रेशियो 12 है और ऑक्सीजन एटम की रेशियो क्या है, 6 है। ये कोई सिंपलेस्ट रेशियो नहीं है, ठीक है, मतलब ये जो 6, 12 और 6 ये कोई सिंपलेस्ट रेशियो नहीं है। अगर हम इनको 6 से डिवाइड करते तो ये बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा 2 और ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो इससे एक नया फार्मूला हमारे पास जो बनेगा वो क्या कहलाएगा, CH2O। तो ये वाला जो फार्मूला जो सिंपलेस्ट फॉर्म में हमारे पास आया है, इस फार्मूले को हम क्या नाम देंगे, एम्पिरिकल फार्मूला बोलेंगे। फिर दूसरा लफ्ज यहाँ पर होल नंबर बोला गया, मतलब हमारी जो वैल्यू होगी वो फ्रैक्शन में हम लोगों ने नहीं लेनी, 0 के फॉर्म में नहीं लेनी, 1.2 नहीं लेना, 1.3 नहीं लेना। इसी तरह हमारे पास एक और एग्जाम्पल है बेंजीन। बेंजीन का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, C6H6 होता है। ये भी एक सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, इसमें कार्बन क्या है, 6 है और हाइड्रोजन की तादाद भी क्या है, 6 है। तो अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म देखें तो हम क्या करेंगे, इनको डिवाइड कर देंगे 6 को 6 के साथ और इसको भी 6 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रेशियो क्या आ जाएगी, 1:1। तब हमारे पास एक सिंपल सा फार्मूला बनेगा, वो क्या कराएगा, CH कि यहां पर भी 1:1 और यहां पर भी क्या है, 1। तो ये हमारा क्या कराएगा, हमारा एम्पिरिकल फार्मूला कराएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसी तरह मॉलिक्यूलर फार्मूला की अगर हम बात करें तो एक केमिकल फार्मूला विच गिव द टोटल नंबर ऑफ एटम्स, जो हमें क्या बताएगा, हमारे पास कोई कंपाउंड होगा, उस कंपाउंड में जो एटम्स मौजूद होते हैं उनकी टोटल तादाद बताता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कह देते हैं। जैसे ये हमारे पास एग्जांपल कौन सी है, अगेन ग्लूकोज की C6H12O6, ठीक है। तो इसमें जो कार्बन एटम है उसकी टोटल तादाद क्या है, 6 है, हाइड्रोजन एटम की क्या है, 12 है और ऑक्सीजन एटम क्या है, 6 है। तो ये हमें क्या बता रहा है, इसकी टोटल तादाद बता रहा है कि इस कंपाउंड में एटम की तादाद कितनी है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाएगा। इसी तरह अगर हम देखें बेंजीन C6H6, तो इसमें कार्बन क्या है, 6 होते हैं और हाइड्रोजन क्या होते हैं, 6 होते हैं। ये टोटल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। जब किसी केमिकल फार्मूला में अगर टोटल नंबर ऑफ एटम बताया जाए वो क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो फर्स्ट लाइन जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, इसे मैंने सिंपल MF की फॉर्म में लिखा है, इज द मल्टीपल ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। मतलब क्या है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला हासिल करने के लिए आपको क्या चाहिए, अगर एम्पिरिकल फार्मूला तो किसी डिजिट से, किसी n से, n मुराद हमारे पास क्या होता है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, उससे मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या होता है, हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आता है। और हमारे पास n फाइंड किया जाता है, n फाइंड किया जाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला मैथ, जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा उसका मैथ और एम्पिरिकल फार्मूला मैथ, इनकी जब हम रेशियो लेते हैं तब हमारे पास n की वैल्यू आ जाती है। तो ये जो पॉइंट मैंने लिखा है इसको मजीद हम एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करते हैं। तो मैंने एग्जाम्पल लिखी है फाइंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन। बेंजीन का हमने फाइंड करना है मॉलिक्यूलर फार्मूला, जबकि एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन इज CH, जबकि उसका एम्पिरिकल फार्मूला CH है, व्हाइल इट्स मॉलिक्यूलर मास इज 78 AMU, और इसका जो मास इन्होंने दिया वो 78 AMU। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज फाइंड करनी है उस पर फोकस करना, क्या फाइंड करना, मॉलिक्यूलर फार्मूला। और मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करने के लिए आप लोगों को यह फार्मूला बताया गया है कि n जब एम्पिरिकल फार्मूला, अब हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला तो उन्होंने दे दिया CH है, लेकिन n क्या होता है, n का नहीं पता, फिर n कहां से पता चलेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला मैथ
वो इन्होंने हमें दे दिया मॉलिक्यूलर मास कितना 78 AMU। एम्पिरिकल फार्मूला मास, एम्पिरिकल फार्मूला मास हम कहां से फाइंड करेंगे, CH से फाइंड कर लेंगे। तो फर्स्ट ये हमारे पास CH है, इसमें कार्बन क्या होता है 12 होगा, हाइड्रोजन क्या होगा 1 होगा, टोटल मास क्या बन जाएगा 13। तो हम n फाइंड कर लेते हैं, n हमारे पास आ जाएगा 78 मॉलिक्यूलर फार्मूला मास जो 78 था, और इसको डिवाइड कर देंगे एम्पिरिकल फार्मूला मास से 13। जब इनको हम सॉल्व करेंगे हमारे पास कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6 आंसर आ जाएगा। तो अब हम मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड कर लेते हैं। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करने के लिए हमने क्या लिखा है, एन जब एम्पिरिकल फार्मूला, एन की हमारे पास जवाब क्या है 6 है, एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास यहाँ पर क्या दिया गया, सी एच दिया गया था। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बन जाएगा, C6H6। लिहाजा हमने क्या देखा कि एक एम्पिरिकल फार्मूला को हमने किसी डिजिट से मल्टीप्लाई किया तब जाके हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला बना, तब हम बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला इज द मल्टीपल ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। उसके बाद हमारे पास कुछ पॉइंट्स है, कंपाउंड हैविंग सेम एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, हमारे पास ऐसे बहुत सारे कंपाउंड है जिनके एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, और वहां पर हम कहते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास n की वैल्यू है वो 1 है, या इसे हम क्या कहेंगे वो यूनिटी है। जैसे हमारे पास एग्जांपल है वाटर, या वाटर अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके अलावा C12H22O11 हमारे पास जो सुक्रोज है। तो ये जो मैंने फार्मूला लिखे हैं इनका एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, सेम होता है। कंपाउंड्स हैविंग डिफरेंट एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, जैसे ग्लूकोज हो गया और बेंजीन हो गया। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें वो है C6H12O6 होगा, जबकि इसकी एम्पिरिकल फार्मूला की बात करें वो क्या होगा, CH2O होगा। इसी तरह बेंजीन, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, C6H6 है, जबकि इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या बनेगा, CH बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट नंबर 3 है, बात याद रखिएगा आयनिक कंपाउंड हैव, आयनिक कंपाउंड जो हमारे पास होते हैं आयनिक कंपाउंड कौन से होते हैं, जो हमेशा मेटल और नॉन मेटल के दरमियान में बनते हैं, और इनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस होता है 1.7 से क्या होता है, ग्रेटर होता है। आयनिक कंपाउंड हमेशा क्या रहते हैं, सिर्फ उनका एम्पिरिकल फार्मूला होता है, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता, क्योंकि आयनिक कंपाउंड को हम फार्मूला यूनिट बोलते हैं, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पर NaCl एक आयोनिक कंपाउंड है, KCl एक आयोनिक कंपाउंड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड वगैरह ये क्या है, एक आयोनिक कंपाउंड हमारे पास मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट नंबर 4 है, जो हमारे कोवलेंट कंपाउंड होते हैं बोथ एम्पिरिकल फार्मूला एंड मोलेक्युलर फार्मूला। एक एक्सेप्शन हमारे पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये एक कोवलेंट कंपाउंड जरूर है, लेकिन ये एक एम्पिरिकल फार्मूला है, मोलेक्युलर फार्मूला नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेप्स इन्वॉल्व इन द डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला हम फाइंड करते हैं तो उसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप को हम लोगों ने याद रखा है। तो 4 स्टेप हम लोग यहां पर यूज करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करने के लिए। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट। तो परसेंटेज फाइंड करने के हमारे पास 2 मेथड दिए जाते हैं, एक एक्सपेरिमेंटल होता है, एक थ्योरेटिकल होता है। एक्सपेरिमेंटल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कंबस्टन एनालिसिस, और थ्योरेटिकल के लिए क्या होता है हमारे पास एक फार्मूला होता है परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट। तो मास ऑफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड, और उसको डिवाइड कर देंगे मास ऑफ द कंपाउंड से। जैसे आप लोगों को एक एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास अमोनिया है, अमोनिया में पूछा जाए कि नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी है, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे और यहां पर साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं कि इसके साथ 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसमें अमोनिया में मौजूद जिस एटम के परसेंटेज फाइंड करते हैं उसका मैस ऊपर रखते हैं, नाइट्रोजन का मैस यहां पर कितना है 14 है, और उसके बाद मैस ऑफ कंपाउंड की बात करेंगे वो हमारे पास टोटल कितना है 70 है, मल्टीप्लाई 100 करते हैं, इस तरह हमारे पास 82% आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास परसेंटेज फाइंड करने का तरीका क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम एटम। नंबर ऑफ ग्राम एटम को हम सिंपली क्या कहते हैं, हम इनको सिंपली मोल बोलते हैं, और वो हम लोग फाइंड कैसे करेंगे, जो जो हमारे पास परसेंटेज आएगी, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने
कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन फाइंड की हुई है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन फाइंड की हुई है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन फाइंड की हुई है। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, जैसे कार्बन की परसेंटेज फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आ जाए 38.7 आ जाए, और उसको हम डिवाइड कर देंगे एटॉमिक मास से, तो कार्बन का मास कितना होता है 12 होता है, जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3.225। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे। इस तरह हाइड्रोजन की जो परसेंटेज होगी, हाइड्रोजन की परसेंटेज को हाइड्रोजन का एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे, ऑक्सीजन की जो परसेंटेज होगी उसको उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे। इस तरह हमारे पास क्या आ जाता है, नंबर ऑफ ग्राम एटम आ जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं थर्ड स्टेप की, थर्ड नंबर पे हम क्या करते हैं, फाइंड द एटॉमिक रेशियो। हम एटॉमिक रेशियो फाइंड करते हैं। एटॉमिक रेशियो कैसे फाइंड करेंगे, मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट। हम लोगों ने जो पर नंबर ऑफ ग्राम एटम फाइंड किए थे कार्बन के, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के, उनको डिवाइड कर देंगे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स के साथ। मतलब क्या कि तीनों के जो मोल फाइंड किए, इन तीनों में जिसकी वैल्यू सबसे स्मॉल होगी उसके साथ तीनों को डिवाइड कर देंगे। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देना चाह रहा हूं। जैसे अब हमने फाइंड किए जो मोल्स ऑफ कार्बन आ गए वो कितने आ गए, 3.2 आ गए। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आ गए वो कितने आ गए, वो हमारे पास 9.6 आ गए। और मोल्स ऑफ ऑक्सीजन वो हमारे पास कितने आ गए, वो भी 3.2 आ गए। ये मोल हमने किस स्टेप में फाइंड किए थे, स्टेप नंबर 2 में। अब स्टेप नंबर 3 क्या था, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट डिवाइडेड, उसको डिवाइड करेंगे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल के साथ। तो अब देखो कार्बन की ये मोल है, इस तीनों में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 3.2 ही है। तो तीनों वैल्यू को डिवाइड कर देंगे हम 3.2 के साथ। देखो 9.6 है, इसको भी 3.2 के साथ डिवाइड कर देंगे। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑक्सीजन की जो रेशियो है 3.2 डिवाइडेड बाय 3.2। मतलब ये हमारे पास कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, इसकी एटॉमिक रेशियो हम लोग देख रहे हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये आएगी रेशियो 1:3:1। तो इस तरह हम एटॉमिक रेशियो फाइंड करते हैं। पॉइंट नंबर फोर में क्या है, एटॉमिक रेशियो अगर होल नंबर में आ जाए, जैसे हमारे पास यहां पर एटॉमिक रेशियो क्या आ गई है, होल नंबर में आ गई है कि कार्बन की रेशियो 1 है, हाइड्रोजन की रेशियो 3 है, ऑक्सीजन की रेशियो क्या है 1 है, तब वो हमें क्या देता है एम्पिरिकल फार्मूला। तो हम कह रहे हैं कार्बन की रेशियो 1 है, हाइड्रोजन की रेशियो 3 है, ऑक्सीजन की रेशियो क्या 1 है। इस तरह हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा एम्पिरिकल फार्मूला आ जाएगा। और अगर हमारे पास ये वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाए, मतलब ये एटॉमिक रेशियो फ्रैक्शन में आ जाए कि ऐसा हो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशियो है वो फ्रैक्शन में आ जाए 1:1.33:1 आ जाए, तब वो क्या करते हैं, उस सूरत में हमें उसे किसी सूटेबल डिजिट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इस तरह मल्टीप्लाई करना पड़ता है कि सारी वैल्यू होल नंबर में रहे। तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, अगर ये सारी वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 हो जाएगा, और 3 को जब मैं 1.3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या आ जाएगा आंसर, इसका 4 आ जाएगा। और 3 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस तरह देखो सारी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, होल नंबर में आ गई। तो इस तरह हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C3H4O3। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।